चलिए, सो नाउ लेट्स सी दिस स्ट्रक्चर. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, वी विल कम टू इट अ बिट लेटर. नाउ लेट अस कंपेयर दिस डायग्राम विद व्हाट वी सॉ. तो ये इट इज एग्जैक्टली द 180 डिग्री ऑपोजिट डायग्राम, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोगों ने कौन सा डायग्राम देखा था? बोलिए, इसी को देखा था उल्टा. फाइन, सो एक्चुअली यू सॉ विच डायग्राम? आई थिंक दिस वन. हम लोग जो है, यस, ये वाला देखे हैं. मीन्स माइक्रोपाइल इज क्लोज टू द हाइलम या फ्यूनिकल. तो इसलिए आप देख लीजिए, माइक्रोपाइल इज क्लोज टू द फ्यूनिकल. तो ये वाला डायग्राम है. ओके, नहीं, यही वाला है, बट हमने उल्टा देखा था, ये हमने इधर. ओके, सो दिस इज द माइक्रोपाइल. सो नाउ अगेन लेट अस लेवल दोज एरियाज. सो आप देखिए, अगेन इंटेग्यूमेंट्स आपका देखिए, ये वन है, तो ये आपका आउट फर्स्ट इंटेग्यूमेंट है, ये आपका सेकेंड इंटेग्यूमेंट है. उसी तरह यहाँ भी आपका जो फर्स्ट इंटेग्यूमेंट है एंड ये सेकेंड इंटेग्यूमेंट है. ओके, उसके अंदर आ जाएगा आपका न्यूसेलस. ओके, तो ये न्यूसेलस के विचो होता है आपका एम्ब्रियो सैक. क्लियर? एंड उसमें आपका ये जो ओपनिंग है जहां दोनों इंटेग्यूमेंट्स नॉट कनेक्टेड हैं, सो दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल. एंड एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट एंड है चलाजा. ओके, नाउ चला तो साइड होता है, ऐसा कोई पार्ट नहीं होता ना? क्या चला सिर्फ कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है या वो सिर्फ एक साइड होता है? वी विल डिस्कस. ये हर चीज एक ही चीज है, बट उसमें कुछ सेल कुछ काम करने लग जाते हैं, कुछ सेल कुछ काम करने लग जाते हैं. सो ओव्यूल वी कैन से इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, है कि नहीं? इट बिगन एज अ कॉमन थिंग बट नाउ डिफरेंशिएटेड इनटू मेनी थिंग्स. वो हम पढ़ेंगे जब वो समझ में आएगा. हाँ, लोकेशन वाइज उसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं, बट माने उसका भी इम्पोर्टेंस है. तो चला जो जैसे इसमें आपका आएगा, जब जो आपका पॉलन ट्यूब है वो आपका चलाजा के तरफ से भी अंदर घुस सकता है. समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो इसीलिए वो वहाँ वो सब चीज काम आएगा. तो इसलिए पॉलन ट्यूब का तो आंख नहीं होता ना, उसी तरह से जैसे हमारे स्पर्म के आंख नहीं थे, तो हाउ दे विल लोकेट द माइक्रोपाइल, तो उसको मदद करना पड़ेगा आपको. एंड वी विल रीड. चलिए, तो अब ये हो गया. तो दिस इज द माइक्रोपाइल एंड ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो उसको पकड़ के रखा है, सो दिस इज द फ्यूनिकुलस. एंड ये जो अटैचमेंट है जहाँ, तो यहाँ काफी लंबा अटैचमेंट है, वहां थोड़ा सा अटैचमेंट था. सो दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड द व्हाट? तो दिस विल बी कॉल्ड द हाइलम. ठीक है, तो ये आपका हाइलम अटैचमेंट है. तो हाइलम आपके फ्यूनिकल के साथ जुड़ा हुआ है. Now, अब अंदर ये आपका एक फुल्ली डेवलप्ड ओव्यूल है, इसलिए आप 8 सेल्स पा रहे हैं. ओके, 8 न्यूक्लियस 7 सेल्स कहने से बेटर है. 8 न्यूक्लियस 7 सेल्स. हाँ सर, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस तो 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, एक एग होगा, 2 सिनर्जिड्स होंगे, सिनर्जिड्स एंड एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा. ओके, पहले ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, पर दोनों फ्यूज होकर एक सेल बन जाते हैं, उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है. अंडरस्टूड? सो ये आपका हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस. नाउ व्हाट इज ऑर्थोट्रोपस ओवरी? तो द ऑर्थोट्रोपस ओवरी का डेफिनेशन क्या है? तो माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल है, नहीं, माइक्रोपाइल एंड चलाजा फॉर्म इन अ स्टेम, वो तो इधर भी है. सिंगल माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल ऑल फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये फ्यूनिकल होगा ना इधर. ओके, हर समय आप याद रखेंगे, एक सेकंड में लिख देता हूँ. तो हर समय आप याद रखेंगे, ये क्या है? ये आपका फ्यूनिकल है. ओके, ये आपका फ्यूनिकल है, ये आपका फ्यूनिकल है, ये आपका फ्यूनिकल है. क्या एप्स में लिखना चाहिए? ये फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल एंड ये आपका फ्यूनिकल.
fine, so all of them are the funicles, okay, and अब यहाँ क्या है, ये जो लेयर है, अरे चला ये है चला जा, ओके okay. इधर ये है चला जा, ओके okay. इधर ये जो है चला जा, इधर देख रहे हो, एक्चुअली इसमें लिखना मुश्किल हो रहा है, मैं हाथ से लिख देता हूँ. यस एक्चुअली ये चला जा, ये चला जा है, सो उसी तरह, सो इधर ये चला जा है, ओके okay, इधर ये चला जा है एंड इधर ये चला जा है, फाइन. सो दिस इज द माइक्रोफाइल, डिस्टर्ब मत करो यार. सो ये आपका माइक्रोफाइल है, ये आपका माइक्रोफाइल है, ये आपका माइक्रोफाइल है, ये आपका माइक्रोफाइल है एंड ये आपका माइक्रोफाइल है, ओके. तो वी हैव द डेफिनेशंस, वी विल सी इन द लोअर पार्ट. चलिए, तो डिपेंडिंग अपॉन डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस ओव्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, तो किस तरह से डेवलप कर रहा है, दो तरह के ओव्यूल हैं, क्रैसी न्यूसेलेट मतलब वेल डेवलप्ड न्यूसेलस एंड टेनवी न्यूसेलेट मतलब अंडर डेवलप्ड या पुअरली डेवलप्ड न्यूसेलस. ठीक है, उसी तरह से तो ये पॉलीपेटल में देखा जाता है, ये गैमोपेटल में देखा जाता है. द न्यूक्लियस इज इन्वेस्टेड ऑल अराउंड बाय वन और टू कवर्ड लेयर इंटेगुमेंट्स एक्सेप्ट एट द एपेक्स व्हिच इज कॉल्ड द माइक्रोफाइल. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स ओवर यूनिटेगमिक मतलब एक, बाइटेगमिक मतलब दो, एटेगमिक मतलब जीरो. तो वन इंटेगुमेंट ये जिम्नोस्पर्म्स हैं एंड गैमेपेटल, टू है आपका पॉलीपेटल एंड मोनोकॉट्स, ये गैमेपेटल एंड जिम्नोस्पर्म्स, एंड एटेगमिक आ गया आपका सेंटलम, लोरेंथस एंड लिरियोसोमा. तो सेंटलम तो आप जानते हो चंदन है एंड दीज आर पैरासाइटिक फॉर्म्स एंड लिरिसोमा आई आल्सो डोंट नो व्हाट, ओके. तो सेंटलम आपका चंदन है, तो इसमें आपका ओव्यूल के बाहर कोई भी इंटेगुमेंट नहीं होता. थर्ड इंटेगुमेंट इन द फॉर्म ऑफ एरिल डेवलप्स फ्रॉम बेस ऑफ ओव्यूल इन लीची, ओके. तो लीची में जिसको आप खाते हो वो एक्चुअली एरिल होता है एंड एरिल एक थर्ड इंटेगुमेंट जैसा होता है, ओके. इन लीची एंड इंगा डुल्से एरिल इज फ्लेशी एंड एडिबल. तो इसलिए जो एडिबल पार्ट ऑफ लीची है वो क्या है, दैट इज द एरिल, क्लियर. उसी बात ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या है, ओके. द माइक्रोपाइल चला जा फ्यूनिकल आर इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके. दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप. अब समझ रहे हो, तो एनसीईआरटी ने उसको क्यों लिखा है, क्योंकि हु रोट एनसीईआरटी, नियंडरथल्स, तो दे आर ऑल प्रिमिटिव, सो इसीलिए ऑल ऑफ देम फॉल इन द सेम लाइन. तो इसीलिए ये आपका हो गया क्या, इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओवरी. एनाट्रोपस ओवरी मतलब ओव्यूल टर्न्स 180 डिग्री एंगल, ओके. This is called inverted ovule. Micropyle lies close to hilum. Actually, ये मेरे ख्याल से anatropous ovary है. हम लोग का ये जो है ये anatropous है. क्योंकि micropyle जो है, it is close to hilum. तो यहाँ NCRT वाला हमारा किस तरह का ovule है? ये है anatropous. Okay, not the primitive one. बच गया NCRT. Anatropous. Okay, so this is anatropous ovule. ओके, बिकॉज आपका ये दोनों पास पास है, ओके. बट जो ऑर्थोट्रोपस है वो जो उल्टा वाला है हमारा, ये स्ट्रेट वाला जो, सो ये है ऑर्थोट्रोपस ओवरी, ओके. तापरे कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल इज कर्व्ड मोर ऑर लेस एट राइट एंगल टू फिनिकल. तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंपाइलोट्रोपस, है ना. चलिए, उसके बाद आ जाएगा
हेमी एनाट्रोपस, मतलब थोड़ा सा पास में होगा कैंपाइलोट्रोपस, फिर आपका हेमी एनाट्रोपस, फिर आपका एम्फीट्रोपस एंड फिर आपका सिसिनोट्रोपस। तो हेमिया ओव्यूल्स टर्न एट 90 डिग्री एंगल अपॉन द फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल एट इज एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। तो ये हमारा हेमी एनाट्रोपस ओके है, ये डी वाला, ये देख रहे हो 90 डिग्री है। यस सर, ठीक है। यस सर, ये जो है आपका है एम्फीट्रोपस, सिसिनोट्रोपस दिया नहीं है आपका, सो लाइक दैट। तो ये आपका एग्जांपल से आप याद रख सकते हो, अब तो कोई जरूरत नहीं है, यू मे नॉट आल्सो रिमेंबर। चलिए सो अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या-क्या चीज क्या-क्या होता है। सो द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल्स। ठीक है, तो फ्यूनिकल क्या है, वो ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ जोड़ने में मदद करता है। The body of ovule, actually then जो body of ovule है fuses with the funicle in the region called hilum. Thus, hilum represents the junction between the ovule and funicle. ये मैंने आपको बताया ही था। So ये आपका ovule and funicle के बीच का junction होता है। Now, each ovule has one or two protective integuments. Integuments encircle the nucellus except at the tip. इसको माइक्रोपाइल बोला जाएगा। ऑपोजिट द माइक्रोपाइल इज जलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ये उसका बेस है। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। तो सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटो। तो इसलिए एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। एंड मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, बोलिए मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, माइक्रोस्पोरा। हां माइक्रोस्पोरा भूल गए अभी, माइक्रोस्पोर्स। जोर से बोला अर्पित, इतना डरमरा के क्यों बोल रहे हो, बोले माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर का एक और नाम क्या है, तो बताइए, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, तो इतना टेंशन आने का क्या जरूरत है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा भी होगा, उधर गया वो, ये आपको दिखाया भी मैंने डायग्राम में, ओके कहाँ लिख दिया वो, मैंने उसको हाईलाइट भी तो किया था, एम्ब्रियो सैक, ये रहा द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। Yes. तो अब इतना मोटा करके दिखाए, मर्द का बच्चा है तो जोर से बोल, समझ आया कि नहीं, वरना बर्थडे में नहीं बुलाऊंगा। चलो तो इसीलिए इफ यू डोंट टॉक लाउडली आई विल नॉट कॉल यू माय बर्थडे, तो ये धमकी ज्यादा अच्छा लगेगा करके, है ना। चलिए तो इसीलिए अब इसको भी हम लोग उसी तरह से हाईलाइट कर देते हैं। तो एम्ब्रियो सैक को हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, इसको क्यों आ गया, तो एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट। देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रिवर्स में ले लिया। जा ओके, सो नाउ विल गो बैक टू आवर फुल पेज व्यू। एक्चुअली वो फुल पेज व्यू में ना ये एडिट ऑप्शन देता नहीं है, क्या करेंगे बताओ। चलिए तो समझ में आ गया, तो इसलिए पॉलन इज द मेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक, ओके उसमें एक ही एम्ब्रियो सैक होगा, ओके फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर। तो इसलिए मेगास्पोर का प्लॉयडी क्या हो जाएगा, बोलिए, इसको मैं यहां लिख देता हूं, अरे आ जाए यार। सो दिस इज 2n 2c, समझ रहे हो। तो व्हाट इज द प्लॉयडी लेवल ऑफ ए मेगास्पोर, 2n 2c। कोई शक, नो सर। अब हम चले जाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, तो आप उसको एमएमसी बोल सकते हो, बट फिर हम कंफ्यूज करेंगे कहीं, इसलिए हम लोग मेमएमसी बोलते हैं, ओके। तो ओके, इसको भी हम मैम एमसी कर देंगे।
तो इसलिए इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, रहने दो। ओके, तो उसको मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओके, सो एक है इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द निसेलस। ओके, तो ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल, एक ही मेगास्पोर मदर सेल होगा, ठीक है। इट इज लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द एमएमसी अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स ईच विद एनसी। तो समझ रहे हो? बट प्रॉब्लम क्या है, उन चारों मेगास्पोर में से एक ही परसिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया। तो आपका मेगास्पोर मदर सेल इज इनसाइड द एम्ब्रियो सैक एंड वहां वो मियोसिस डिवाइड करेगा एंड 4 मेगास्पोर बनाएंगे। ओके, अब उसके बाद हम गैमेटोफाइट बनाएंगे। सो द फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 डीजेनरेट। ओके, वो नष्ट हो जाते, द अदर 3 डीजेनरेट। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। चलिए, अब ये सारा प्लॉइडी आ गया, ये आप खुद करते रहेंगे। ओके, तो ये हम मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। न्यूसेलस डिप्लॉयड, मेमसी डिप्लॉयड, फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉयड, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, ऑक्टाप्लॉयड। ओके, वो 8N8C होता है, क्यों हम डिस्कस करेंगे आगे, क्लियर। तो अब ये वाला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दिस पार्ट। तो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट डायग्राम, ये वाला। तो आप देखिए, ये आपका न्यूसेलस है एंड ये एक्चुअली ये बहुत अच्छा ड्राइंग दिया है एनसीईआरटी में, तो ये आपको बनाना भी आ जाएगा। तो ये बाहर वाला न्यूसेलस है, एक ही मेगास्पोर मदर सेल है, फिर आपका वो डिवाइड करता है। ओके, इट विल डिवाइड बाय मियोसिस 1, तो वो मियोसिस 1 से डिवाइड करेगा एंड वो बन जाएगा क्या, ओके, इट इज बिकमिंग 2 मदर सेल्स। ओके, तो एक्चुअली मियोसिस 1 इधर होना चाहिए ना, ये रहा। तो ये आपका मियोसिस 1 है, फाइन, एंड ये जो है आपका मियोसिस 2 है। ओके, उधर घंटा क्यों चला गया? तो ये आपका हो जाएगा क्या, दिस इज द मियोसिस 2 एंड नाउ वी हैव हाउ मेनी, वी हैव 4 मेगास्पोर्स, देख रहे हो। तो आपके 4 मेगास्पोर्स हैं। नाउ अब ये मेगास्पोर में से क्या होगा, 3 डीजेनरेट कर जाएगा। ओके, तो उसमें से 3 डिजेनरेट कर जाएंगे एंड फिर क्या होगा, ओके, 1 विल बी देयर। तो उसके बाद वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, माइटोसिस 1 से 1 विल बिकम 2, फिर माइटोसिस 2 से 2 विल बिकम 4, फिर माइटोसिस 3 से 4 विल बिकम 8। तो नाउ दीज 8 सेल्स दे रीअरेंज। ओके, तो चला जल साइड में कौन चला जाएगा, देखिए बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये देखो, ये डायग्राम इस तरह से बनाया है, ये उसका अपोजिट बनाया है, तो समझने वाला तो मर जाएगा, yes, ना, समझ रहे हो। तो अब देखिए, ये माइक्रोपाइलर एंड ऊपर का डायग्राम का है, नीचे का डायग्राम का नहीं है, तो इसलिए ऊपर आपने सिनर्जिड बनाया था तो वो बन जाएगा एंटीपोडल्स, है कि नहीं, एंड एंटीपोडल बन जाएगा एक सिनर्जिड, समझ रहे हो। तो ये डायग्राम पलट दिया है, तो बहुत बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सिनर्जिड्स हैं, ये एग है एक्चुअली, एंड ये सेंट्रल सेल्स हैं, ये जो आपका जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एंड ये आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। तो इसी को हम पलट दिए हैं, ये एक्चुअली घूम गया है, तो इसलिए चला जल साइड में कौन चला जाएगा, 3 एंटीपोडल्स। माइक्रोपाइलर साइड में सिनर्जिड्स आते हैं, उसके बीच एग होता है, तो इसलिए सिनर्जिड क्या करते हैं, उनका जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो पॉलन ट्यूब को टूवर्ड्स द एग डायरेक्ट करने में मदद करता है। ओके, तो यही चीज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। और क्या, इधर
So the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei, which move to the opposite poles, forming two nucleate embryo sac. Okay, the two nucleate embryo sac banega. उसके बाद द टू सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स. अभी सिर्फ न्यूक्लियर देखिए, ये बढ़िया चीज है, ये आपका टोटल डिविजन हो रहा है. एंड यहाँ टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर न्यूक्लिएट एंड लेटर एट न्यूक्लियर स्टेज. इसका मतलब क्या है, वो मेन सेल एक ही होगा. ये देख रहे हो, ये एक ही सेल है. तो अब ये जो माइटोसिस है not followed by dash, cytokinesis. तो समझ रहे हो, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कह रहे हैं. So this is mitotic nuclear divisions. Okay, so it is of the interest to note that these mitotic are strictly free nuclear. That is, nuclear divisions are not followed by wall formation. After eight nuclear cells, cell walls are laid during leading to the organization of the embryo sac. अब जाके सब खत्म हो जाएगा, फिर बनाएंगे. अब हम सिनर्जिड बनाएंगे, एग बनाएंगे, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा बनाएंगे. ओके, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. सिक्स ऑफ द एट आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स. द रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस इनटू ए लार्ज are situated below the egg apparatus in the large central cell. तो बीच में जो सेल है, क्योंकि आप देखो इसमें जो आठ सेल था, अगर आपको ध्यान है, eight cells थे, eight nucleus, तो ऊपर तीन सेल बन जाते हैं, नीचे तीन सेल बन जाते हैं. तो ये तीन, ये छह सेल एक सेल के अंदर है, जिसके दो न्यूक्लियस है. समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज बड़ा मजेदार है, इसको बना के देख लेते हैं. अब यहां देखिए, ये आपका एक क्या है, दिस इज द सेल, उसमें आठ न्यूक्लियस है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ. तो उसमें क्या होता है, तीन, इसमें तीन जो है, तीन न्यूक्लियस एक तरफ आकर सेल वॉल डेवलप कर लेते हैं, दूसरा तीन न्यूक्लियस एक तरफ आकर सेल वॉल डेवलप कर लेते हैं. चला जल साइड वाला क्या बन गया, एंटीपोडल्स. माइक्रोपाइल साइड वाला क्या बन गया आपका, सिनर्जिड, सिनर्जिड, एंड ये बन गया ओवा. बट इस सेल के अंदर और दो न्यूक्लियस हैं, है ना, एक तो सपोज इसी सेल का है, ये एक एक्स्ट्रा पड़ा है. ओके, तो इसीलिए अब ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों के बाहर एक सेल वन ब्रेन बना. ओके, समझ में आया ये वाला बात? यस सर. बिकॉज़ ये चीज जो है वो उधर क्लियर होने वाला चाहिए आपको, तो समझ रहे हो. तो इसलिए सिक्स ऑफ द एट सराउंडेड बाय सेल वॉल्स, द रिमेनिंग टू पोलर न्यूक्लियस आर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस इन द बिलो और अबव, ये आपका डिसाइड करेगा टाइप ऑफ ओव्यूल. ओके, बिकॉज यहाँ ऊपर लिया है एग, तो इसलिए बिलो बोल रहा है. समझ रहे हो कि नहीं, तो ये जो बिलो द एग वाला सिचुएशन है, ये वेरिएबल सिचुएशन है. ओके, इसको हम लोग वेरिएबल सिचुएशन मानेंगे. क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ है, बट अगर ओवर ही उल्टा हो जाएगा तो अबव भी हो सकता है. ठीक है, तो वो जैसे एक एमसीक्यू में था, लेकिन उसमें आंसर सिर्फ एनसीईआरटी का लिया था, इसीलिए बिलो द एग को आंसर लिया. बस बस बस, वो तो आप जानते ही हो, क्योंकि हमने तो पांच प्रकार का ओवम पढ़ लिया ना, तो इसलिए अगर आपका एनसीईआरटी आंसर होगा वो हर समय बिलो ही होगा. बट अगर आपका कोई और है, अगर एक का टाइप दिया है, तो आपको सोचना पड़ेगा. चलिए, तो इसलिए बाकी जो दो है वो सेंट्रल न्यूक्लियस सेल में रह जाते हैं. देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक. थ्री सेल्स आर ग्रुप टूगेदर द माइक्रोपाइल एंड कंस्टिट्यूट द एग अपैरेटस. वन एग, टू सिनर्जिड्स. The synergids have special cellular thickenings at the micropylate tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. Three cells of the chalazal end are called antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, has two polar nuclei.
तो किसी किसी में वो दो रहते हैं, किसी किसी में वो फ्यूज कर जाते हैं। तो दस ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, ओके, दो एट मैच्योरिटी दो एट न्यूक्लियर इज सेवन सेल, है तो आठ न्यूक्लियस बट सेल्स कितने हैं आपके, सात, क्यों, थ्री प्लस थ्री प्लस वन। अंडरस्टूड, कोई शक? तो ये जो दोनों हैं ये एक ही सेल है, ओके। चलिए अब फीमेल गैमेट और एम्ब्रियो सैक, तो पी महेश्वरी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। अगर एक ही भी स्पोर से बना है तो उसको मोनोस्पोरिक बोलेंगे, जो कॉमन है। तो ये जो एग दिया है ना आपका, वो पॉलीगोनम टाइप है, इसलिए वो दिया गया है। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, टू मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, तो कितना माइटोसिस होगा? तो वे सिंपल कंसेप्ट है, तो हाउ मेनी माइटोसिस, चार। हाउ मेनी माइटोसिस, फोर। इतना इडियट होना तुम लोग को, इतना झपड़ मार देंगे, yes, हो जाएगा। अरे पागलों, इधर आपका जो है हाउ मेनी माइटोटिक जेनरेशन, आपका ऑलरेडी बाइस्पोरिक है तो आठ बनाने के लिए कितना चाहिए, टू जेनरेशंस, हमें आठ ही बनाना है। आपका टेट्रास्पोरिक है तो क्या सोलह अंडा बना लेंगे, अल्टीमेटली आपको एट न्यूक्लियाई ही बनाना है। तो एक से आठ yes, बनाना है तो थ्री माइटोटिक जेनरेशंस, दो से आठ बनाना है तो दो माइटोटिक जेनरेशंस, चार से आठ बनाना है तो एक माइटोटिक जेनरेशन, वन। तो बनाना yes, तो आठ yes, ही है ना, ये क्या तुम लोग कर रहे हो। चलिए तो इसीलिए दैट टू आप लोग पढ़ने के बाद फ्रॉम द ग्रेट टीचर, ठीक है, नहीं योर फेवरेट इन स्कूल। चलिए तो समझ रहे हो, तो इसलिए मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम यूनोथेरा है, बाइस्पोरिक एलियम सेपैलियम, क्या होता है, वोनियन। टेट्रास्पोरिक आ जाएगा आपका एडॉक्सा प्लम्बैगो ड्रूसा, ये सब आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगर बिकॉज इसका कॉमन नेम तो आपको मालूम नहीं है, जो मालूम है हम वो कर लेंगे और क्या। तो ये हमारा हो गया फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। विल एंड लेक्चर टुडे, विल जस्ट सी द फोटोग्राफ्स। अब ये देखिए, तो ये आपका एक ड्रॉइंग कंसेप्ट है, तो ये आपका इंटेग्यूमेंट्स है, ये आपका जो फोर हैप्लोइड स्पोर्स है उसमें से एक से बन रहा है तो वो आपका मोनोस्पोरिक केस ऐसे बन रहा है, ठीक है। सो अगेन दिस इज ब्यूटीफुल डायग्राम, तो आप देखिए यहाँ एक सेल है मेगास्पोरोसाइट, फिर मियोसिस होता है, फिर थ्री आपका डिजेनरेट करता है, फिर माइटोसिस होता है, एंड आपके इधर भी लिखना चाहिए ना, ये लोग भूल जाते हैं, थ्री माइटोसिस, ओके, थ्री माइटोटिक जेनरेशन लिखना चाहिए। एक्चुअली आंसर तो आप जो बोल रहे हो फोर वो सही है, ओके, बट जेनरेशन टू हो जाता है। कैन यू जस्टिफाई भाई, जब देखो दो सेल है तो दो बने, अगर आप नंबर गिनोगे ना तो सपोज आठ आठ सेल बना है तो कितना माइटोसिस हुआ है, सेवन, समझ रहे हो, किंतु कितना जेनरेशन हुआ है, दैट इज थ्री, ओके। चलिए तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा बाय वे बैक फ्रॉम आवर सेल डिवीजन नोट, तो ठीक है। तो इज दिस डायग्राम ब्यूटीफुल और नॉट, यस सर। चलिए दिस इज फर्दर मोर ब्यूटीफुल, तो आप देखिए, तो ये आपका देख रहे हो एक सेंट्रल वैक्यूल बन रहा है, एक ही सेल है ना, yes, sir. तो एक सेल के अंदर चार, तो ये वैक्यूल है। तो आप वही सोच रहे होगे ना कि सर अलग कैसे हुआ, बिकॉज देयर इज अ वैक्यूल, इज अ बिग वैक्यूल, तो उसने न्यूक्लियस को चल भाग उधर कर दिया है, तो लाइक दैट। तो ये फर्स्ट माइटोसिस है, ये सेकेंड माइटोसिस है, एंड ये थर्ड माइटोसिस है। तो आप फिर तीन तीन होकर फिर ये बीच में से दो आ जाते हैं, तो आ गया मजा डायग्राम का। मोनोकार्पलरी ओवरी, अब आप देख रहे हैं एक ही लोक्यूल है तो एक ही स्टिग्मा है, एक ही स्टाइल है, एंड एक ही ओवरी है, ओके। एंड ये जो मोटा वाला येलो है ना, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, एंड इस प्लेसेंटा के साथ जो डंडा निकला है
ये डंडा क्या है, दिस डंडा इज द फ्यूनिकल, समझ रहे हो कि नहीं? इफ यू सी दिस ड्रॉइंग, तो ये जो येलो है दिस बेस, सो दिस इज द प्लेसेंटा। अगर मैं उसको कलर कर दूं तो ये क्या है, सो दिस इज द प्लेसेंटा, ओके, ये प्लेसेंटा है, ये क्या है, सो दिस इज द फ्यूनिकल, ओके, एंड ये आपका क्या है, ये है ओव्यूल, अंडरस्टैंड, समझ में आया?